अगर आप पुरुष हैं और केला नहीं खाते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ये केला किस अंग को प्रभावित करता है आपको पता है? इसका आकार आपके किस अंग से मिलता जुलता होता है? तो समझ जाना कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं और इस केले से आपके अंदर क्या बदलाव आने वाले हैं। पुरुषों को केला क्यों खाना चाहिए? देखिए, केले में विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नियासिन, आयरन, फॉलिक एसिड, इतने सारे पोषक तत्व मिलते हैं। और ये पोषक तत्व कोई वैसे नहीं है कि आपने हल्के में ले लिए, ये पुरुषों के अंदर जाकर बहुत से बदलाव करते हैं। सबसे बड़ा बदलाव मूड बनाने का होता है। इसमें जो पोटेशियम पाया जाता है दोस्तों, ये हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। मैं वो भी बताऊंगा कि आपको कितने केले खाने हैं रोज, कि आप इस चीज़ का जो फायदा उठा सकें। तो पोटेशियम सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देता है, और इसमें ट्रिप्टोफैन नामक एक यौगिक पाया जाता है जो हमारे शरीर के सेराटोनिन को बढ़ाने का काम करता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे यौन स्वास्थ्य को ही बढ़ावा देते हैं। अगर ये हार्मोन्स में कोई गिरावट आई तो सीधा इफेक्ट हमारे यौन प्रभाव पर पड़ता है, हमारी सेक्सुअल लाइफ पर पड़ता है। तो आपको अगर अपना यौन ड्राइव, सेक्स ड्राइव ठीक रखना है तो निश्चित तौर पर केला खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। समझ गए? केले में जो ट्रिप्टोफैन नाम का यौगिक पाया जाता है, जो एमिनो एसिड पाया जाता है, ये हमारे शरीर में हमारे मूड को ठीक रखता है, स्ट्रेस को कम करता है। और पुरुषों में ज़्यादातर स्ट्रेस की ही सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है। स्ट्रेस का सीधा इफेक्ट आपके कई हार्मोन्स पर पड़ता है, आपके सेक्सुअल लाइफ पर पड़ता है। ठीक है, तो मूड आपका अच्छा रहना चाहिए। आपकी यौन शक्ति को ये बढ़ावा देता है। इसमें एक ब्रोमोलाइन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो पुरुषों की यौन शक्ति को बढ़ाने में लाभदायक रहता है। अगर आपकी यौन शक्ति कम है, आप बिस्तर पर अच्छे से परफॉर्म्स नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित आपको केले का सेवन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपके लिंग में तनाव की प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की प्रॉब्लम है, जल्दी झड़ जाता है, तो ध्यान रखिए आपको इसका सेवन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपके नेचुरल ताकत आती है बॉडी में। और देखिए, जब भी आप केला खाना स्टार्ट करते हैं तो केले में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो दुबले पतले शरीर को हट्टा कट्टा बनाने में सक्षम होते हैं। आप अगर इसका सेवन रोज करते हैं तो वजन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दूध और केले का सेवन रोज कीजिए, आप दुबले पतले हैं तो आपका वजन बढ़ जाएगा, आप हष्ट पुष्ट बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये कोई ट्रांस फैट नहीं बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, ये हेल्दी फैट की बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। आपको अपना शरीर चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए भी ये काम अवश्य करना है। अब शरीर में थकान रहती है, जल्दी थक जाते हैं, स्टेमिना खराब हुआ पड़ा है, तो भी दूध और केले का सेवन करना रोज, इससे आपको थकान कमजोरी कभी महसूस नहीं होगी। आप एक बार करने के बाद थक जाते हैं बिस्तर पर, तो निश्चित आपको इस चीज़ में भी हेल्प करेगा। समझ गए? तो रोजाना 2 केले और 1 गिलास दूध सुबह नाश्ते में ले लेना रोजाना। काम उत्तेजना बढ़ेगी आपके अंदर, सेक्सुअल जो अंदर एक एक वो बनता है ना, हाइप बनती है बॉडी में कि यार, जैसे आपने पहले तो आप केवल सोच ही लेते थे तुरंत आपका मूड बन जाता था, लेकिन अब सब कुछ करने के बाद भी मूड नहीं बनता है, तो वो ही काम उत्तेजना होती है। काम उत्तेजना को बढ़ावा देता है क्योंकि हमारी बॉडी में सेराटोनिन जब बढ़ता है तो काम उत्तेजना बढ़ती है, ध्यान रखिए, तो इसकी कोई बढ़ाता है ये। इसमें जो पोटेशियम पाया जाता है ये पुरुषों के अंदर ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। ब्लड प्रेशर बीपी की बीमारी है ना आपको, तो उस चीज़ में भी ये राहत दिलाता है, ध्यान रखिए। अब केले में अच्छी खासी कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, तो केला हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करता है, जिससे कि ऑर्थराइटस जैसी बीमारी में लाभ पहुँचता है। तो आपको केले का सेवन हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी करना है। तो लगा लीजिए, इतने सारे बेनिफिट सिर्फ केला ही आपको दे रहा है, तो आपको क्यों दवा खाने की आवश्यकता है? आप बिस्तर पर जाते हैं उससे पहले दवा लेकर क्यों जाते हैं? आप रोजाना वो चीज़ें खाइए जो आपको अंदर से मजबूत करें कि आपको कभी दवा लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़े।
तो दो केला और एक गिलास दूध रोजाना नाश्ते में लेना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपको ये सारे बेनिफिट्स 100% मिलेंगे दोस्तों, मेरा आपसे वादा है। आप एक महीने भी करके देखें तो आप अपने अंदर पहले से ज़्यादा ऊर्जा देखेंगे, ताकत देखेंगे, स्टेमिना देखेंगे, शरीर आपका चुस्त फुर्तीला और हट्टा कट्टा बन जाएगा। ध्यान रखिए, धन्यवाद।